हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और यार आज का दिन काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर शुरुआत हुई सुबह सुबह यार सब्सक्राइबर से बात हुई और उसके बाद यार हमारे मैक्स प्रो M1 के अंदर एक कमाल का अपडेट आ गया है जिसने यहाँ पर पूरा सब कुछ चेंज कर दिया है हमारे मैक्स प्रो M1 M2 का। अब यार ये जो अपडेट है ये लेटेस्ट अपडेट है, बिल्ड नंबर इसका है 060, यानी कि 60 बिल्ड नंबर आप इसको बोल सकते हो। और ये जो अपडेट है ये सिर्फ और सिर्फ मैक्स प्रो M1 के लिए नहीं है, मैक्स प्रो M2 के लिए भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब गाइस इस अपडेट में Asus ने जो चेंज यार वो काफी तारीफ करने वाली बात है क्योंकि सब कुछ यहां पर चेंज कर दिया है इन्होंने। तो सबसे पहले यार यहां पर हम बिल्ड नंबर की बात कर लेते हैं। तो बिल्ड नंबर तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि यार Asus ने सब कुछ यहां पर चेंज कर डाला है। सबसे पहले तो यार नेटवर्क फ्लक्चुएशन का जो इशू था, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम यहां पर देखने के लिए मिल रही थी, तो ये वाला इशू यहां पर फिक्स हो चुका है और यहां पर आपको कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी आपके इस फोन के अंदर। क्योंकि गाइस पबजी खेलते हुए काफ़ी लोगों को नेटवर्क इशूज़ की वजह से प्रॉब्लम आ जाती थी, तो वो यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद यार लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है जो कि दिसंबर का नहीं है, नवंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी मैंने अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल नहीं किया है, मैं करूँगा, बट सबसे पहले आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दे के मैंने वीडियो बना दिया है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर जो नोटिफिकेशन टॉगल अलाइनमेंट है बेसिकली उसको यहाँ पर फिक्स किया गया है। नेटवर्क बार, वोल्टी, वाईफाई, ये सब आइकन को एकदम मतलब सेम लाइन में एकदम किया गया है, तो इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। और गाइज उसके बाद यहाँ पर रैम मैनेजमेंट को भी फिक्स किया गया है, मतलब जो आपकी रैम में जितनी भी एप्स होती है वो सारी मेमोरी में रहेंगी। पहले कुछ डिवाइसेस में यहाँ पर इशू आ रहा था, पर यार हमारा तो 3GB वाला है तो उसके अंदर शायद अभी भी हमें इशू देखने के लिए मिल सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो यार बता रहे हैं भूल गया कि बैटरी ड्रेन इशू भी यहाँ पर फिक्स हो गया है। तो यार बैटरी की प्रॉब्लम जितने लोगों को आ रही थी, बोल रहे थे फास्ट ड्रेन हो रही है, तो वो भी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर हीटिंग इश्यूज को भी फिक्स कर दिया गया है जो कि काफी बढ़िया बात है यार, क्योंकि हीटिंग इश्यूज काफी लोगों को देखने के लिए मिल रहे थे, बोल रहे थे कि हीट हो जाता है हमारा फोन। और अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद काफी लोग बता रहे थे। और उसके बाद यार लो स्पीकर वॉल्यूम का इशू है, ये हमारे बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी और मेरे को भी आ रही थी। मैंने तो यार स्पीकर ही रिप्लेस करा दिया था, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था मैंने, पर यार आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये सारी प्रॉब्लम आपकी फिक्स होती है नहीं, और सब कुछ जरूर से बताना यार, आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। उसके बाद गाइज यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है सिस्टम की स्टेबिलिटी को और फिक्स किया गया है लॉन्चर क्रैशिंग इशू को, यानी कि सिस्टम में जितने भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी यार वो सारी फिक्स हो जाएंगी। और काफ़ी लोगों का कहना था कि भाई हमारा लॉन्चर यहाँ पर फोर स्टॉप हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में मुझे कमेंट्स आ रहे थे। और यार सिर्फ इसको फिक्स करने वाला था जो कि Asus ही इसको यहाँ पर फिक्स कर सकता था। और लास्टली गाइज यहाँ पर जो अपडेट का साइज है वो जस्ट 184 MB का है, तो यार 184 MB में इतने सारे फिक्सेस मैंने आज से पहले किसी अपडेट या फिर किसी अदर डिवाइस में देखने के लिए नहीं मिले हैं। और यार ये 17 दिसंबर से यहाँ पे रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है और आज से ये सारे डिवाइसेस में रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यार इसके ऊपर मैं वीडियो जरूर से बनाऊंगा और चेक करेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे एक बार ये zenfone मैक्स प्रो M1 का। क्योंकि यार अभी मेरे मैक्स प्रो M1 में यहाँ पर MIUI 11 रन कर रहा है, तो मैं इसको अभी चेंज करूंगा वापस से अपने स्टॉक रॉम में, और स्क्रीनशॉट वगैरह आप सब अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये सारे चेंजेस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल गए हैं। तो भाई जाओ जल्दी से अपने फ़ोन में अपडेट को चेकआउट करो अपने मैक्स प्रो M1 मैक्स प्रो M2 और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिले, OTA अपडेट देखने के लिए मिला नहीं मिला, सारे डिस्कशन यार कमेंट्स में कर डालो। और अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाओ और फॉलो करो geek.abhishek पे, सारे प्रॉब्लम्स लिख के भेजो, वीडियोस बनाएंगे। और गाइस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आज ही मैंने बनाया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ ज्वाइन करो, सारी प्रॉब्लम्स वहां पर भेजो, सबके आंसर्स मिलेंगे, सारे कमाल की यहां पर कन्वर्सेशन हम वहां पर करने वाले हैं। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही यार, हमेशा की तरह लाइक का बटन तोड़ दो यार, लाइक्स करते जाओ, इस वीडियो को हाईएस्ट लाइक वीडियो बनाना है हमारे चैनल के ऊपर, जो कि 3000 से ऊपर लाइक मुझे इस वीडियो के ऊपर चाहिए, मुझे नहीं पता यार, बस क्लिक कर दो, कैरी मराठी वाला डायलॉग है पर कर दो यार। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।